नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैलकुलेटर जो है कैसे काम करता है, मतलब उसे कैसे पता होता है कि इतने प्लस इतने मतलब बराबर इतने हो जाता है। इसी की बात जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके सामने बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए, उसे भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू वर्क ए कैलकुलेटर, मतलब एक कैलकुलेटर जो है किस प्रकार से काम करता है, मतलब उसके अंदर क्या ऐसा है कि वो मतलब कुछ भी कैलकुलेट कर देता है। आपने जो है लगाया कुछ भी 50 प्लस 50 तो वो 100 जो है आपको सामने दिखा देता है तुरंत ही, कुछ भी टाइम यहाँ पर नहीं लेता है, कोई भी प्रोसेसिंग उसके अंदर नहीं होती है। इतनी स्पीड से जो है कैलकुलेटर किस प्रकार से काम कर लेता है। शुरू में जब इंसान कैलकुलेटर किया करते थे तब वो भी बहुत ही हाई स्पीड से कैलकुलेट कर लेते थे, लेकिन जब ये कैलकुलेटर चल गया है तो इंसान की स्पीड यहाँ पर कम हो गई है और कैलकुलेटर की स्पीड ज़्यादा हो गई है। ये बात बिल्कुल सत्य है, आपको भी मतलब ये माननी पड़ेगी। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, मतलब कैलकुलेटर काम कैसे करता है, उसके अंदर ऐसा क्या है कि वो तुरंत ही जो है सब कुछ कैलकुलेट हमें करके देता है। कैलकुलेटर के अंदर एक छोटी सी जो है इंट्रिकेट सर्किट लगा हुआ होता है, जिसे आप CPU भी बोल सकते हैं या फिर कुछ भी आप उसे बोल सकते हैं, मतलब उसके अंदर लगा हुआ होता है, उसी के अंदर सारा डेटा जो है उसके अंदर होता है। अब जीरो से लेकर जितनी मतलब आप संख्या सोच सकते हैं, जितनी लंबी दूर तक या फिर एंड हो जाए, इन्फिनिटी ले लीजिए उस संख्या की, वहाँ तक के डेटा जो है उसी चिप के अंदर यहाँ पर संयोजित किए हुए होते हैं, मतलब उसके अंदर डाउनलोड किए हुए होते हैं पहले से ही। अब उसकी संख्या कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है उसके अंदर फीड की हुई होती है, 01 + 00 = 1। अब देख लीजिए 01 + 02 = 3, तो इस प्रकार से जो है उसके अंदर होता है 01 + 01 = 2, 01 + 03 = 4। इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा आंकड़ा, अब ऊपर से भी ले लीजिए 1000 + 1110, यानी हो गया 1110 वाला सिस्टम। इस प्रकार से हर संख्या और हर जोड़, हर गुणा, हर भाग, कुछ भी जो भी कैलकुलेटर में आपको दिखता है, चाहे आपके कंप्यूटर में हो, चाहे वो नॉर्मल कैलकुलेटर आपके हाथ में हो ओनली कैलकुलेटर, या फिर आपके मोबाइल में हो, या फिर आपके किसी भी सिस्टम में, कुछ भी आपके पास टैबलेट वगैरह जो भी है उसके अंदर कैलकुलेटर है, तो सारा का सारा वही वाला सिस्टम है। एक नॉर्मल कैलकुलेटर जिसके अंदर आप एक सेल डालते हैं, वहाँ से लेकर आपके पास अगर 10 लाख रुपये का कंप्यूटर है उसके अंदर भी वही आंकड़े आपको मिलेंगे जो कैलकुलेटर आपके हाथ में है, उसी वाला सॉफ्टवेयर उसी कंप्यूटर में विंडो के द्वारा या किसी प्रकार से जो है उसके अंदर वही आंकड़े उसमें होते हैं। इन्हें बनाने में लगभग यहाँ पर जो है 85 ईयर्स लगे थे, उसके बाद जो है कैलकुलेटर के अंदर इतने सारे आंकड़े निकल के आए, इतने साल के बाद जो है कैलकुलेटर का यहाँ पर निर्माण हुआ। लेकिन आज जो है कैलकुलेटर सुपर फास्ट काम कर लेता है, वो इसी की बदौलत कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी सोचने समझने की मतलब कोई शक्ति तो होती नहीं है, बस उसको जो भी आंकड़ा दिखा उसको क्या करना है, आपने क्या ऑर्डर दिया उसी हिसाब से जो है वो आंकड़ा भी उसी के अंदर होता है, जो कि उसे आंसर देना होता है, बस उसे लाकर जवाब के सामने यहाँ पर रख देता है। दोस्तों आशा करता हूँ थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो में मैंने दी होगी कैलकुलेटर के बारे में, शायद आपको समझ में आएगा कैलकुलेटर क्या है। जितना मैं समझा सकता था मैंने समझाया अपने हिसाब से। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे वीडियो रोज आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।